हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस। मेरा नाम रूपांशी भारद्वाज है और हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हमने दो एराज इसके कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश, सेकंड हमने मिडल इंग्लिश किया था। आज हम करेंगे रेनेसो। रेनेसो का हमने एलिजाबेथियन एरा कंप्लीट कर लिया था, यानी कि एज ऑफ शेक्सपियर। आज हम उस पर कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो क्लास में बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। ये कुछ क्लासेस होती है ETS पर 7 बजे, सर का पेड बैच, मतलब सर ने अपना पेड बैच लॉन्च किया था, उसकी क्लासेस होती है ETS ऐप पर। ETS ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और 4 बजे फाखरा मैम की क्लास होती है GS की, 5 बजे मेरी क्लास होती है लिटरेचर की, और 6 बजे मैथ्स आपको इंग्लिश मतलब मैथ्स पढ़ाती है फाखरा मैम। ये ग्रुप के कुछ लिंक हैं, जैसे टेलीग्राम ग्रुप है हमारा इंग्लिश बाय टाइगर सर, और जनरल स्टडीज़ का भी ग्रुप है, एक लिटरेचर का भी ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये आपका ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक है। तो ये हमारे कुछ एराज थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। द एलिजाबेथियन एरा जो हमारा कब से स्टार्ट हुआ था, 1558 से 1603, इसे हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। अच्छा, इसे हम एज ऑफ शेक्सपियर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो वर्क्स थे लिटरेचर में वो विलियम शेक्सपियर के थे, इसलिए हम इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी, उनके टाइम के जो बहुत प्रोमिनेंट राइटर थे, जिनके वर्क सबसे ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा वर्क्स उन्होंने लिखे थे, वो हमारे विलियम शेक्सपियर थे। इसलिए बोलते हैं जो राइटर जिसके जिस एरा में ज्यादा वर्क्स होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला एरा जो था एलिजाबेथन एरा, इसको विलियम शेक्सपियर जो थे वो रिप्रेजेंट करते हैं। 1558 से एरा शुरू होता है, क्योंकि जो एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ थी, वो गद्दी पर बैठी थी 1558 पर, और 1603 में उनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी डेथ के साथ ये एरा खत्म हो जाता है। तो हम इस पे कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आज हम उस पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसकी क्लास हमने ले ली है, आप पीछे की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल, विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं टोटल। इनके टोटल 154 सोनेट्स हैं, हम सब डिस्कस करेंगे। मैं अलग से आपको प्लेलिस्ट बनाकर दूंगी, आपको वहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। बस क्लास में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। हम अलग से शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वास्ट है, बहुत बढ़ाएंगे बहुत सारे वर्क्स से। टू हूम डिड शेक्सपियर डेडिकेट हिज फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, एंड आई होप आपको इसका आंसर भी पता होगा। इसका आंसर क्या है, विलियम शेक्सपियर ने अपनी फर्स्ट नैरेटिव पोएम जो थी वीनस एंड एडोनिस, वो किसे डेडिकेट की थी, ये तो सबको पता है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ये कौन थे, मिस्टर WH का नाम आपने सुना होगा, इनके मतलब बोलते हैं इनके बहुत खास थे ये, तो इनके लिए इन्होंने क्या किया था, ये जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है इसको डेडिकेट किया था। एक रेप ऑफ ल्यूकरिस भी इनकी नैरेटिव पोएम है, वो भी इन्होंने क्या की थी, इनको डेडिकेट की थी। ये दोनों आपको याद रखना है, डार्क लेडी को इन्होंने अपने कुछ सोनेट्स डेडिकेट किए थे, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को भी इन्होंने अपने सोनेट्स डेडिकेट किए थे। अच्छा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को इन्होंने अपने कितने सोनेट्स डेडिकेट किए थे। जैसे इनके टोटल सोनेट्स कितने हैं, 157, अब 157 में से कितने इन्होंने किसे डेडिकेट किए हैं, दो लोगों को ही किए हैं, डार्क लेडी और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कहाँ से लेकर कहाँ तक इन्होंने किसको डेडिकेट किए हैं। अच्छा, एक मैं आपको हिंट दे देती हूँ, जो लास्ट के दो सोनेट्स हैं इन्होंने वो क्यूपिड को डेडिकेट किए हैं। अब बचता क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। Who has written Tales from Shakespeare? अच्छा, ये Tales from Shakespeare किसने लिखा था? Tales from Shakespeare लिखा था चार्ल्स लैम ने। ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। द फ्रेज व्हाट्स इन अ नेम अकर्स इन, नाम में क्या रखा है, ये तो आपने सुना होगा। ये फ्रेज जो है विलियम शेक्सपियर की कौन सी, मतलब आप नॉवेल बोल सकते हैं, प्ले बोल सकते हैं, ड्रामा बोल सकते हैं, कौन से ड्रामा से लिया गया है, बहुत फेमस है रोमियो एंड जूलियट, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा।
ओथेलो किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। इनकी ट्रेजेडी है हैमलेट, इनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक मानी जाती है। ये भी विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। जूलियस सीजर भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा, और ये हमारा क्या है, हिस्ट्री प्ले है, और रोमियो एंड जूलियट के बारे में तो आपको पता ही है। तो ये जो फ्रेज है ये कौन सी प्ले का है? इनके रोमियो एंड जूलियट। एक्चुअली लाइन्स भी आती हैं एग्जाम्स में कि आपको किसी भी नॉवल की एक लाइन दे दी जाएगी, कोटेशन दे दी जाएगी, डायलॉग दे दिया जाएगा, आपको बताना है कि वो कौन से प्ले में किसने कहा था, या फिर ये भी आ सकता है वो कौन से राइटर का प्ले था। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, आप बस चैनल पर बने रहिएगा। हु हैज रिटन द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले? अच्छा, ये जो क्रिटिकल बुक है ना, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ये किसने लिखा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के आप पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन। हैजलिट, इसका नाम आपने सुना होगा, विलियम हैजलिट, इनका इन्होंने लिखा था विलियम शेक्सपियर के लिए कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, मतलब विलियम शेक्सपियर के प्लेज में जितने भी कैरेक्टर्स थे उनके बारे में हैजलिट ने लिखा था। एक अलग से बुक इन्होंने लॉन्च की थी, बनाई थी, लिखी थी, आप कुछ भी कह सकते हैं। वॉट इज रेप ऑफ ल्यूकरस? अभी मैंने पीछे आपको बताया रेप ऑफ ल्यूकरस ये इनकी लॉन्ग नरेटिव पोएम थी जो इन्होंने किसे डेडिकेट की थी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिसको हम मिस्टर WH भी कहते हैं। तो ये क्या थी हमारी आ नरेटिव पोएम। इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट्स पब्लिश्ड? अब कौन सा वो साल था जब विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स को पब्लिश किया गया था? इसके साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि वो कौन था जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स को पब्लिश कराया था इनकी डेथ के बाद। विलियम शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी? 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद जो वो आती है ना फर्स्ट फोलियो में इनके सोनेट्स को पब्लिश कराया गया था, और वो किसने कराया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे वो कौन से ईयर में पब्लिश हुए थे? 1609 में, 1609 में इनके जो सोनेट्स थे वो पब्लिश किए गए थे। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट इज अटर्ड बाय, ये भी एक लाइन है इनके एक प्ले की, विलियम शेक्सपियर की। आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी नॉवल या कौन से प्ले में बोली गई है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, बहुत फेमस लाइन्स है, अगर आपने ये ट्रेजिडीज इनकी पढ़ी है तो आप इजीली बता देंगे। मैकबेथ, जो मैक आपने पढ़ा होगा मैकबेथ के बारे में, इस पर मूवी भी बनी है मकबूल, बॉलीवुड की मूवी है मकबूल। तो मैकबेथ में ये जो लाइन्स हैं ये लाइन किसने बोली थी? मैकबेथ ने बोली थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेडी मैकबेथ इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर मैकबेथ है। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे आ जाता है कि फर्स्ट ऑप्शन आपका लेडी मैकबेथ होगा, सेकेंड मैकबेथ होगा, लियर भी हो सकता है, क्योंकि लियर में भी क्या था, किंग लियर में भी इडियट जो क्लाउन था उसके बारे में बताया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये लाइंस किसकी हैं? मैकबेथ की है, मैकबेथ ने बोली थी लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। हु सेड दैट शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये किसने बोला था? बहुत फेमस फ्रेज है ये, आप लोगों को पता होगा ये फ्रेज, किसने बोला था? बेन जॉनसन ने बोला था। बेन जॉनसन जो थे वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे विलियम शेक्सपियर को, इन्होंने ये लाइंस बोली थी लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, कि शेक्सपियर को थोड़ी लैटिन और थोड़ी ग्रीक आती है। विलियम शेक्सपियर ने ना ये चीज़ें पढ़ के नहीं सीखी थी, इन्होंने खुद से सीखी थी, या तो तुम कहीं पर जाके पढ़ रहे हो स्कूल में तब तुमने सीखा होना, इन्होंने खुद से सीखा था। लिटिल तो इनको थोड़ी बहुत लैटिन आती थी, थोड़ी बहुत ग्रीक आती थी, तो इनको ऐसे बोला गया था लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, या स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक, ऐसे भी बोल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर? हम विलियम शेक्सपियर के सारे प्लेज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी इसकी, हम क्लासेस देना शुरू करेंगे इसके ऊपर, हैमलेट, इसकी इंपॉर्टेंट कोटेशन, कैरेक्टर्स, जो भी इसमें से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिटिकल एनालिसिस, जो मतलब क्रिटिक्स ने इन पे क्रिटिकल कॉमेंट्स किए थे, हम वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे। जो विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले था वो कौन सा था? टेम्पेस्ट। आपको ये याद रखना है, जो लास्ट प्ले होता है किसी भी राइटर का उसको हम क्या बोलते हैं? स्वान सॉन्ग कहते हैं, SWAN, स्वान सॉन्ग। जो किसी भी राइटर का लास्ट प्ले होता है हम उसे स्वान सॉन्ग कहते हैं, लास्ट प्ले या लास्ट वर्क आप कह सकते हैं।
तो विलियम शेक्सपियर का जो लास्ट वर्क था वो क्या था, दी टेम्पेस्ट, ये आपको याद रखना है। विंटर्स टेल भी विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, ट्वेल्थ नाइट भी इन्होंने लिखी है और हैमलेट भी इन्होंने लिखी है। शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज? विलियम शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं, जो रोमन प्लेज हैं वो किन सोर्सेज पे बेस्ड हैं? नॉर्थ प्लूटार्क, ये आपको याद रखना है। जो रोमन प्लेज हैं वो नॉर्थ प्लूटार्क पे हैं। हिस्ट्री प्लेज किस पे हैं? हॉलिनशिड्स क्रॉनिकल्स पे हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। रोमन प्लेज जो इनके है, जैसे जूलियस सीजर है, इनका क्या है, ये रोमन प्ले है, ये नॉर्थ प्लूटार्क के ऊपर बेस्ड है। मतलब नॉर्थ प्लूटार्क इन का जो वर्क्स हैं उनके, नॉर्थ की जो मतलब नॉर्थ जो थे उनकी जो वर्क है प्लूटार्क, उनमें जो उन्होंने कुछ वो होते हैं ना, कुछ सीन्स और कुछ इंसिडेंट्स लिख दिए थे, ये उन पे बेस्ड है। एक्चुअली विलियम शेक्सपियर क्या करते थे ना, ये आपने प्लेगैरिज्म का नाम सुना होगा। प्लेगैरिज्म मैं मतलब लिटरेरी टर्म्स में आपको बताऊंगी। इसमें क्या होता है ना, विलियम शेक्सपियर ऐसे करते थे, किसी किसी के ना प्लेज उठा लेते थे और उनमें अपने कुछ इमेजिनेशंस और कुछ आइडियाज लिख के अलग से अपना एक प्ले बना लेते थे। तो इस पे इन्होंने काफी मतलब काफी जो पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने इनको क्रिटिसाइज भी किया है। जैसे आपने जॉन ग्रीन का नाम सुना होगा, उन्होंने भी इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। सॉरी, जॉन ग्रीन ही, रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन ने इनको क्रिटिसाइज किया। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, उनकी वो थी ना, उनका एक वर्क था, उसमें इन्होंने उसको क्या बोला था, अपस्टार्ट क्रो बोला था। तो मतलब ये कॉपी करते थे, मतलब ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर अलग अलग राइटर्स के, पोइट्स के वर्क्स को कॉपी करते थे अपनी इमेजिनेशन थोड़ा बहुत डालकर। तो ऐसे जो नॉर्थ के प्लूटार्क था, मतलब उसमें से इन्होंने रोमन प्लेस उस पर बेस्ड है, और जो हॉलिनशिड्स क्रॉनिकल है, ये हिस्टोरिकल प्लेस जो है, मतलब इस वाले हॉलिनशिड्स क्रॉनिकल पे बेस्ड है, आपको याद रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर? अच्छा, हैमलेट जो था वो आर्टिस्टिक फेलियर क्यों था? प्रोक्रेस्टिनेशन का आपने नाम सुना होगा, इसमें क्या होता था ना, जो आप ये प्ले पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बाकी मैं यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। इसमें क्या था, जो प्रिंस हैमलेट था वो चीजों को ना टालता रहता था कि ठीक है मैं आज नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा। मतलब वो होता है ना कि नहीं आज नहीं, कल नहीं, कल कल करूंगा। मतलब इनको अपने पापा की डेथ का बदला लेना था, लेकिन इस चीज को ये टालते रहते हैं। इनके अंकल ने ही इनके पापा को मार दिया था, तो इनको ये चीज पता थी, लेकिन इस चीज को टालते रहते हैं कि आज नहीं मैं कल बदला लूंगा, आज नहीं मैं कल बदला लूंगा। इन शॉर्ट ये हमारा क्या है, रिवेंज ट्रेजेडी है। ये हैमलेट जो है रिवेंज ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, और सबसे बिगेस्ट मतलब बोला जाता है, बहुत बड़ी मतलब इसको उसमें लिखा जाता है, जो लाइन्स हैं इनकी बहुत ज्यादा है इसमें, तो बिगेस्ट ट्रेजेडी बोली जाती है विलियम शेक्सपियर की। तो इसको आर्टिस्टिक फेलियर बोला गया था प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। जो प्रिंस हैमलेट की आदत थी प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को टालने की, उसकी वजह से इनका क्या हुआ था, इनका ट्रेजिक एंड हो गया था, मतलब इनका फॉल हो गया था। तो ये किसने कहा था इनको, टीएस एलियट। जो टीएस एलियट थे उन्होंने विलियम शेक्सपियर के हैमलेट प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर बोला था प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, ये आपको याद रखना है। शेक्सपियर्स इंग्लिश हिस्ट्री प्लेज आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज? अभी मैंने आपको बताया जो हमारा रोमन प्लेज थे वो प्लूटार्क, नॉर्थ प्लूटार्क के उस पे थे बेस्ड, और हिस्ट्री प्लेज किस पे थे, हॉलिनशिड्स क्रॉनिकल्स। अब हिस्ट्री प्लेज कौन कौन से हैं, किंग लियर हो गया हमारा, हेनरी एट्थ हो गया, ये सब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में आगे। ये क्या था, हिस्ट्री प्लेज है। हॉलिनशिड क्रॉनिकल जो था वो, हाँ, जो विलियम शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज हैं ये उस पर बेस्ड है। मतलब हिस्ट्री प्लेज विलियम शेक्सपियर के हॉलिनशिड क्रॉनिकल्स पे बेस्ड है। वो क्या करते थे, इसमें से कुछ इंसिडेंट्स उठाते थे, उनमें अपनी इमेजिनेशन डालते थे और कोई भी प्ले बना दिया करते थे। इस पर इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है। शेक्सपियर एड्रेस्ड हिज सोनेट्स टू अ मेल नेम्ड, ये अभी मैंने आपको बताया, मिस्टर WH, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। विलियम शेक्सपियर ने अपने कुछ सोनेट्स मिस्टर WH को डेडिकेट किए हैं। मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 157 सोनेट्स में से वो कौन से सोनेट्स, मतलब कितने सोनेट्स हैं जो विलियम शेक्सपियर ने मिस्टर WH को डेडिकेट किए हैं।
आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सॉरी 157 नहीं है, 152 है। नहीं एक मिनट रुके, क्यूपिड को कितने इन्होंने डेडिकेट किए हैं? दो इन्होंने क्यूपिड को डेडिकेट किए। हाँ 154 सोनेट्स हैं इनके, टोटल 154 सोनेट्स हैं विलियम शेक्सपियर के, जिनमें से लास्ट के दो यानी कि 153 एंड 154 इन्होंने किसको डेडिकेट किए हैं? क्यूपिड को डेडिकेट किए हैं। तो आपको मुझे बताना है 1 से लेकर 152 तक कितने सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने मिस्टर डब्ल्यू एच को डेडिकेट किए हैं? तो ये आप ठीक कर लीजिएगा, टोटल सोनेट्स 154 हैं, जिनमें से दो इन्होंने क्यूपिड को डेडिकेट कर दिए थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज देयर द रोल ऑफ अ घोस्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग इसमें मैकबेथ आंसर लगा देते हैं और कुछ किंग लियर भी लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर सिर्फ हैमलेट होगा। जो घोस्ट दिखाया गया है स्टेज पे वो हैमलेट का दिखाया गया, किंग हैमलेट का। मैकबेथ और किंग लियर तो कुछ लोग, चलो वो तो समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग मैकबेथ भी लगा देते हैं। तो आपको मैकबेथ याद नहीं रखना है, मतलब ये नहीं सोचना कि मैकबेथ में घोस्ट है, इसमें नहीं था। इसमें घोस्ट का जिक्र किया गया है लेकिन स्टेज पे घोस्ट का परफॉर्मेंस नहीं दिखाया गया है, तो इसमें आंसर मैकबेथ नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ हैमलेट आंसर लगाना है, क्योंकि हैमलेट में ही किंग हैमलेट का घोस्ट दिखाया गया है। हु इज द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन? जो स्पेंसर थे उन्होंने फेरी क्वीन लिखी थी, इसका जो हीरो था वो कौन था? जो स्पेंसर थे इन्होंने क्या किया था, किंग आर्थर का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने किंग आर्थर को प्रेज किया है, उनके बारे में लिखा है फेरी क्वीन के अंदर। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी था किंग आर्थर के बारे में। हु कॉल्स स्पेंसर द पोएट्स पोएट? किसने स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा था? कवियों का कवि किसने कहा था स्पेंसर को? चार्ल्स लैम ने कहा था। ये जो स्टेटमेंट है, ये टाइटल जो था स्पेंसर को, ये चार्ल्स लैम ने दिया था, आपको ये याद रखना है। To whom does Spencer dedicate his shepherd's calendar? ये मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में, एक्चुअली प्रीवियस क्लास में ही आपको बताया है। शेफर्ड्स कैलेंडर हमारे यहाँ 12 बुक्स में लिखा गया है, स्पेंसर ने लिखा है, और इसमें क्या था, हर महीने एक, मतलब एक बुक इनकी क्या होती थी, बनती थी या पब्लिश होती थी, आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं ना, ऐसे ही इस एक बुक में मतलब 12 स्टोरीज या 12 बुक्स, एक जो सेट था उसमें 12 बुक्स का कलेक्शन था, जो शेफर्ड्स कैलेंडर है। अभी स्पेंसर ने किसे डेडिकेट किया था? सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया था, ये आपको याद रखना है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब जैसे अभी ये वैसे मैं आपको करा दूंगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक बुक को हम कवर कर लेंगे, यहाँ पे आपका एग्जाम आने से पहले ही हो जाएगा कवर। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। इन्होंने इसमें ना स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखी है ये, तो स्टैंजा की क्लासेस भी हम लेंगे, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि जो स्पेंसर, मतलब स्पेंसर का जो फॉर्म थी पोएट्री लिखने की, सोनेट्स लिखने की, स्पेंसेरियन स्टैंजा में वो लिखते थे, और स्पेंसेरियन स्टैंजा 9 लाइन्स की, मतलब 9 लाइन्स में लिखा जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बेसिकली आपको इतना याद रखना है, शेफर्ड्स कैलेंडर 12 बुक्स में लिखी गई है, सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट की है, और स्पेंसेरियन स्टेंजा में ये सोनेट लिखा गया है, 9 लाइन्स स्पेंसेरियन सोनेट्स, ठीक है। सिडनीज अर्कैडिया इज सिमिलर टू, ये अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, सिडनी ने जो लिखा था अपना अर्कैडिया, ये इनका वर्क जो थॉमस मोर की यूटोपिया है उसके जैसा है, मतलब उसके सिमिलर, सेम सेम आप समझ सकते हैं, जो थॉमस मोर है उनकी यूटोपिया, ये आपको याद रखना है। थॉमस मेलोरे नहीं समझना, कुछ लोग इसको थॉमस मेलोरे समझ लेते हैं कि उनकी यूटोपिया थी, नहीं, उनकी मोटे दे आर्थर थी, ये आपको याद रखना है। मैंने प्रीवियस क्लास में कराया है, प्लीज आप प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा।
ये तो आपको पता है, स्पेंसर ने एपिथेल्मियन लिखा था अपनी वाइफ के लिए जब उनकी शादी हो गई थी, शादी हो रही थी। और शेक्सपियर सेम्बलाइन, ये भी सबको पता है। ड्राइटन्स का पॉली ओलिपियन, ओलिबियन, ये भी पता है आप लोगों को। द टोटस मेसेलिनी, ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है। टोटस मेसेलिनी ये किसका वर्क था? कलेबरेशन में लिखा था। किस किस ने लिखा था? अर्ल ऑफ सरे, अर्ल ऑफ सरे एंड वैट। वैट के बारे में तो आपने सुना होगा। इसमें क्या था, अर्ल ऑफ सरे क्या लेकर आए थे? ब्लैंक वर्ड्स लेकर आए थे, ब्लैंक वर्ड्स इंग्लैंड में लेकर आए थे। और थॉमस वैट क्या लेकर आए थे? थॉमस वैट क्या लेकर आए थे? सोनेट्स लेकर आए थे। ये आपको याद रखना है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा, देख लीजिएगा। टोटस मेसेलिनी जो था, ये इन दोनों का मतलब कलेबरेशन में इन्होंने वर्क लिखा था 1557 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश पोएट्री? अभी मैंने बताया अर्ल ऑफ सरे, अर्ल ऑफ सरे लेकर आए थे ब्लैंक वर्ड्स इंग्लिश पोएट्री में। अच्छा, मार्लो को क्या बोला जाता है? क्रिस्टोफर मार्लो, ये सिर्फ ट्रेजेडीज पे लिखते थे। और ये आपने यूनिवर्सिटी विट्स का नाम सुना है, उनके हेड माने जाते थे। ये भी आगे पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और विलियम शेक्सपियर, ये मैंने आपको बताया फादर ऑफ इंग्लिश, मतलब उस तरीके से ले सकते हैं इंग्लिश सोनेट्स, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट्स विलियम शेक्सपियर। और वैट के बारे में अभी मैंने आपको बताया, सोनेट्स को इन्होंने क्या किया था, इटालियन सोनेट्स को इन्होंने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है। थॉमस वैट जो थे ये इटली गए थे और पेट्रार्क से मिले थे। ये पेट्रार्क से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और इन्होंने वहां से इटालियन सोनेट सीखा था पेट्रार्क से, और उसे ये इंग्लैंड लेकर आए थे। यहाँ पे इन्होंने अपने वर्क्स में उसे इंट्रोड्यूस किया है। द स्पेंसेरियन स्टेंजा, अभी मैंने आपको बताया स्पेंसेरियन स्टेंजा 9 लाइन्स का होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे स्टेंजास के बारे में तो आपको क्लियर हो जाएगा। 6 लाइन्स, 7 लाइन्स, 8 लाइन्स, 9 लाइन्स, अलेक्जेंडरियन, बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, सब आपको क्लियर हो जाएंगे। एलिजाबेथियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड ऑफ 1558 से 1603, हमारा एलिजाबेथियन एज है। क्यों है? क्योंकि 1558 पे एलिजाबेथ गद्दी पर बैठी थी और 1603 में किंग एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। एस्ट्रोफिलिन स्टेला, एस्ट्रोफिलिन स्टेला ये किसका वर्क है? एक सोनेट है, मतलब सोनेट है किसका? सिडनी का। अ सोनेट सीक्वेंस बाय सिडनी, सर फिलिप सिडनी ने लिखा था एस्ट्रोफिलिन स्टेला, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ मार्लो इज बेस्ड ऑन अ जर्मन लेजेंड? ये बहुत अच्छी बुक है, आपने पढ़ी होगी, प्ले है, ट्रेजेडी है। क्रिस्टोफर मार्लो सिर्फ ट्रेजेडीज पे लिखते थे। पता है ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि वो कौन सा राइटर था जो सिर्फ ट्रेजेडीज पे लिखता था, ड्रामेटिस्ट भी आप उसे बोल सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडीज के बारे में ही लिखता था। वो हमारे कौन थे? क्रिस्टोफर मार्लो थे, जिन्होंने डॉक्टर फॉस्टस लिखी थी। डॉक्टर फॉस्टस में क्या लिखा है इन्होंने? जर्मन लेजेंड के बारे में लिखा है, जिसपे क्या होता है एक मतलब ग्रीड ऑफ पावर, पावर की ग्रीड के लिए इनका फॉल हो जाता है, ट्रेजिक एंड हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। टेम्बलाइन द ग्रेट, ये भी क्रिस्टोफर मार्लो की है। द जू ऑफ माल्टा भी क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी है, और एडवर्ड टू भी क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी है। अब जू ऑफ माल्टा, ये मैंने आपको प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में बताया था, आपको प्लेलिस्ट में वो क्लास मिल जाएगी। जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये जो जू ऑफ माल्टा है ये विलियम शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स बना था। मतलब विलियम शेक्सपियर ने इस अपना ये जो प्ले लिखा था ये जू ऑफ माल्टा पे बेस्ड लिखा था, इसमें से कुछ इंसिडेंट्स उठाकर अपना प्ले बनाया था। द मार्लियन हीरो इज नोन फॉर हिज हंगर फॉर, अभी मैंने बताया हंगर फॉर पावर, पावर की ग्रीड के लिए जो मार्लो का हीरो था उसका ट्रेजिक एंड हो जाता है। इन्होंने जितने भी प्लेज लिखे हैं उसमें यही लिखा है कि जो इनका हीरो था उनका ट्रेजिक एंड होता है, किस वजह से? ग्रीड, जो पावर की ग्रीड होती है उसकी वजह से, हंगर ऑफ पावर।
विच इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजिडी, कौन सी फर्स्ट रिवेंज ट्रेजिडी मानी जाती है? रिवेंज ट्रेजिडी, द स्पेनिश ट्रेजिडी, जो किसने लिखी थी? थॉमस किड ने लिखी थी, ये आपको याद रखना है। थॉमस किड की बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट ट्रेजिडी है द स्पेनिश ट्रेजिडी, जिसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजिडी बोला जाता है। गॉर्बोडैक हमारी क्या थी? रेगुलर ट्रेजिडी थी, फर्स्ट रेगुलर ट्रेजिडी, ये रिवेंज ट्रेजिडी नहीं थी। जो फर्स्ट रिवेंज ट्रेजिडी थी वो स्पेनिश ट्रेजिडी होगी, लेकिन जो फर्स्ट रेगुलर ट्रेजिडी है वो गॉर्बोडैक है हमारी, जो किसने लिखी थी? थॉमस सेक्विलन, थॉमस नॉर्टन ने लिखी थी, ये आपको याद रखना है। हैमलेट ट्रेजिडी किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर। टेम्बलाइन किसने लिखी थी? क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी थी। वेमेन बी अवेयर वेमेन इज वन ऑफ द मास्टर पीसेज बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है काफी बार, थॉमस मिडिल्टन। जो थॉमस मिडिल्टन है उनका ये बहुत फेमस वर्क है वेमेन बी अवेयर वेमेन, ये आपको याद रखना है, थॉमस मिडिल्टन ने लिखा था। हु कंप्लीटेड हीरो एंड लियांडर स्टार्टेड बाय क्रिस्टोफर मार्लो। हीरो एंड लियांडर के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। क्रिस्टोफर मार्लो ने मतलब इसको लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया था? जॉर्ज चैपमैन ने कंप्लीट किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, जो आपने पढ़ी होगी इलियड, होमर की इलियड है, उसको ट्रांसलेट किया था किसने? किया था जॉर्ज चैपमैन ने, ये तो आपको पता होगा। होमर्स इलियड जो थी वो जॉर्ज चैपमैन ने मतलब अपने तरीके से भी आगे लिखी है, ये हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि काफी क्वेश्चन जॉर्ज चैपमैन पे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली अभी आपको इतना याद रखना है, हीरो एंड लियांडर जो क्रिस्टोफर मार्लो ने स्टार्ट किया था लिखना, ये किसने कंप्लीट किया था? जॉर्ज चैपमैन ने कंप्लीट किया था। द चीफ फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज टू इंस्ट्रक्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लिटरेचर का वो क्या है? इज टू इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट करना। हु सेड इट, ये जो लाइन्स हैं ये किसने बोली थी, ये लाइन्स किसकी हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दो क्वेश्चंस हो गए, फर्स्ट सोनेट्स जो 154 सोनेट्स हैं उनमें से डब्ल्यू एच को, मिस्टर डब्ल्यू एच को कितने सोनेट्स डेडिकेट किए गए हैं, और सेकेंड ये वाला क्वेश्चन, द चीफ फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज टू इंस्ट्रक्ट, ये लाइन्स किसने बोली थी, और किस किसे तो नहीं, एक्चुअली कुछ राइटर्स मतलब क्रिटिक्स जो होते थे वो कुछ लाइंस वो मतलब फ्रेम कर दिया करते थे, जो फेमस हो जाती थी, आगे चलती रहती थी, वर्क्स में इंट्रोड्यूस की जाती थी। तो आपको ये बताना है, द चीफ फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज टू इंस्ट्रक्ट, ये लाइन किसने बोली थी? जॉन ड्राइडन, सर फिलिप सिडनी, फ्रांसिस बैकन, या फिर जॉन बेन जॉनसन, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे जेकोबियन एरा, यानी कि एज ऑफ जॉन डन। जॉन डन के बारे में आपने पढ़ा होगा, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिकल पोएट, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा रेनेसों का फर्स्ट पार्ट एलिजाबेथन एरा, यानी कि विलियम शेक्सपियर, एज ऑफ विलियम शेक्सपियर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम जेकोबियन एरा के बारे में पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बताया था जेकोबियन जेम्स वन से बना है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ये फाखरा मैम का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो चुका है 7 जनवरी से, 3 बजे क्लास होती है, यूट्यूब पे यहीं पे इसी ETS पे आप देख सकते हैं। इसमें मैम क्या करी है, आपको मैथ्स के बारे में, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस कराती हैं, वो उनकी प्रैक्टिस कराती हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो आप क्लास ले सकते हैं उनकी। बाकी क्लासेस मैंने अभी आपको बताई, 7 बजे मेरे बैच होता है ETS ऐप पर, 4 बजे GS की क्लास होती है फाखरा मैम की, 5 बजे मेरी क्लास होती है इंग्लिश लिटरेचर की, और 6 बजे मैथ्स मैथ्स की क्लास होती है। बाकी यहाँ पर 3 बजे मैम का प्रैक्टिस बैच भी होता है मैथ्स का, तो वो भी आप ले सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।